सो ही गाइस, वेलकम बैक इन अदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज हम दोनों फिर से आ गए हैं और अभी हमने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हम इंचांटमेंट करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट टू था उस सीज का। क्या था वो? रेलवे लगाई थी हमने लास्ट एपिसोड में, वो नेदर में, याद है देखो? रेलवे लगाई थी, तो उस रेलवे में के लास्ट में मैंने कहा था कि इंचांटमेंट हम बहुत करेंगे, तो थोड़े बहुत चेंजेस भी करें। जैसे हमने यहाँ पर पेड़ उगा दिए बहुत सारे, काय काय के पेड़ थे, पता नहीं केशिया का था और कुछ एक वो स्प्रूस का पेड़ था बड़ा वाला, तो उसके कारण ये मिट्टी ऐसी हो गई है, तो अब ये साफ़ कर रहा है उन चीज़ों को। तो चेंजेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपना बो पूरा मैक्स कर दिया है, जैसे पंच टू आ गया इसमें, अनब्रेकिंग। देखो पहले से इसमें पावर फाइव था, इन्फिनिटी था और अनब्रेकिंग थ्री था। मैंने थोड़े बहुत लेवल इकट्ठा करके इसमें पंच टू और फ्लेम डाल दिया है, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा इसमें कुछ नीड पड़ेगी। और इन्फिनिटी इस मतलब इसमें मेंडिंग नहीं लगता है सैडली, अगर मेंडिंग लगाऊंगा तो मेरा इन्फिनिटी चला जाएगा, तो जो कि ड्रॉबैक है। दूसरी चीज़ मैंने करी है मेरे आर्मर, तो मैंने इसमें मेंडिंग और अनब्रेकिंग लगा दिया। मेरे पास एक प्रोटेक्शन फोर भी लगा है इस बूट में, तो मेंडिंग और अनब्रेकिंग थ्री हो गया। इसमें भी मेंडिंग अनब्रेकिंग थ्री है, इसमें भी अनब्रेकिंग मेंडिंग है, इसमें भी अनब्रेकिंग मेंडिंग है। और ये मेरे को कहाँ से मिला? ये हमने जब वो हीरो ऑफ द विलेज का हमको जब टैग मिला था, तो हमने विलेजर्स के पास से ये सारी चीज़ें ट्रेड करी है, और हमको इतने सस्ते में मिल रही थी ना मेंडिंग और अनब्रेकिंग, तो हमने ले ली। उसका स्क्रीनशॉट ये रहा आपके सामने, कि देख सकते हो कितना सस्ते में हमको मेंडिंग मिल रही थी, तो हमने ये ले लिया और मेंडिंग और अनब्रेकिंग थ्री इसमें लगा दिया। हमारे पास विलेजर है ही सही दोनों चीज़ों के। और ये प्रोटेक्शन फोर मेरे को मिल गया था, मतलब प्रोटेक्शन फोर है हमारे पास ऑलरेडी, एक बुक थी, बुक में से मिला था, तो वो चीज़ मैंने इसमें लगा दी। तो मेरा एक आर्मर अभी बन रहा है, और मैं इस आर्मर जब तक ये आर्मर मेरा मुझे नहीं लगता कि सेटिस्फाई नहीं हो जाता मैं, कि हाँ चलो अब अच्छा आर्मर हो गया, तब तक इसे मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो इसे मैं वापस लगा देता हूँ। मेरा आयरन का ये आर्मर अभी बढ़िया है। और आज क्या करना है? आज पहली बात मुझे इसमें लगाना है मेंडिंग, और अनब्रेकिंग लगाना है मेरे ट्राइडेंट में, और इसका ट्राइडेंट अभी तक हमको मिला नहीं, उसका हमको जुगाड़ करेंगे। और अब ये वाली चीज़ और बता देता हूँ, ये वाली चीज़ में थोड़े बहुत चेंजेस करें, कि ये क्या हुआ था, पहले दो ही चेस्ट थी और ये चेस्ट भरा गई थी एक्चुअली पूरी की पूरी, और ऑफर में भी आइटम आने लगे थे, तो हमने थोड़ा बहुत इसको चेंज कराए, और इस तरफ ये दो प्लेसेस से हम यहाँ पर किल कर सकते हैं मॉब्स को, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और कुल मिला के चेस्ट बढ़ा दिए, और म्यूजिक डिस्क भी मिली है जो कि टूटी हुई है। ओ भाई तीन है यहाँ, तो नाइस बढ़िया म्यूजिक डिस्क। है, संभाल के और ऐसे सारी कनेक्ट करेंगे। हाँ यहाँ पर भी देख सकते हो क्या चेस्ट भरे पड़े हैं, इधर भी भरे पड़े हैं, और ये भी बहुत जल्द भरा जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है, पर उससे पहले हमको जुगाड़ देख लेंगे। मुझे नहीं लगता इससे नीचे हम लेके जाएंगे चेस्ट को, यही बहुत है। तो आज प्लान क्या है? सबसे पहले तो मैं खेत वापस से सही कर दूँ, क्योंकि खेती चाहिए ही चाहिए। और बिल्ली क्या कर रही है भाई यहाँ पर? तो सबसे पहले मैं अपना ट्राइडेंट ठीक कर लूँ, उसके बाद इसका भी ट्राइडेंट ढूंढने जाएंगे। गाइडेंस में मेंडिंग लगा दें हाँ और छोड़ दो उसको, ऐसे हो जाएगा आपसे। अनब्रेकिंग भी, मुझे अनब्रेकिंग भी चाहिए थी, अभी फिलहाल मेरे पास मेंडिंग है। मुझे अनब्रेकिंग मिलती तो बढ़िया होता। अनब्रेकिंग थ्री भाई, 22 एमरल्ड यार, महंगा ज्यादा है। है यार, चल महंगा है, रेट करा लेते हैं। बाद में जब कराएंगे ना रेट तब देखेंगे, अभी तेरा काम करना ज़रूरी है, तेरे उसका। यहाँ कोई था क्या? ओ शिट, यहाँ तो वो आ गया था यार, एक क्या मिनट, कोई नीचे तो नहीं चले गया ना? अरे यहाँ का एक गेट खुला हुआ था, तुम वो ऊपर वाला विलेजर अगर नीचे आ गया ना, तो उसको ऊपर हाँ जाना नहीं आएगा, उसको मतलब उसमें इतना दिमाग नहीं कि यहाँ से अपन ऊपर जा सकते हैं, डम बंदा है पूरा वो। ओके गाइस, तो अभी प्लान ऐसा है कि मैंने अपनी थोड़ी बहुत इन्वेंटरी ठीक कर ली है, मैं अपना आर्मर लेता हूँ, और अब हम जा रहे हैं हमारा जो आउटपोस्ट है जहाँ पर रेड करवाते हैं, मतलब जहाँ से हम वो लेते हैं बेडोमन, तो वहाँ से, वहाँ पर क्या है, उसके पीछे ही ओशन है, और वो एक डीप ओशन है एक्चुअली, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनलोड स्पॉन होते हैं, तो हम वहीं जाने वाले अभी इसका ट्राइडेंट लाने चले। चल आ जा। ओके आ गए। इनको मारे क्या? नहीं, मत मार, पीछे पड़ जाएंगे फालतू सबके सब, इसीलिए पता है मैं ये सोच रहा था यहाँ पर दो ट्रैक कर देते हैं, एक में तू जाएगा एक में मैं जाऊंगा। इतनी मेहनत नहीं करनी भाई। वैसे इतनी मेहनत लगी नहीं थी देखा जाए तो इसमें।
नहीं, वो फालतू की मेहनत हो जाएगी। चल चल इधर से, चल पीछे पीछे से निकलते हैं, क्योंकि पीछे ही है वो एक्चुअल में। आ रहा है ना? वो तेरे पीछे आ रहा है बंदा। आन देना, इतनी दूर तक नहीं आएगा वो। ओके तो ये है वो जगह जहां आपसे हमको ट्राइडेंट मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तू कहाँ रही गया? गया इधर 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 ओके ओके चलो। आइलैंड के पास में अपना स्पॉन हो गया हूँ। ओके नहीं, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ना, देख वो बायोम का नाम आएगा वहाँ पर। वो बायोम थी, हाँ कोल्ड ओशन, यही वाली है। ये यहाँ पर बहुत आते हैं सच में। ओ भाई एक और मिला। हाँ ये भी कोल्ड ओशन है। नहीं कहाँ ये है तू? है, ये क्या है, एक्सलॉटल क्या है, ये ऑसलॉट पता नहीं क्या था। यहाँ पर एक शिपरैक थी जो कि हमने लूट लिए, और वहीं से ही हमको कुछ शायद से वो क्या था, वो ओशन पता नहीं क्या मिला था। हार्ट ऑफ द सी, हाँ हार्ट ऑफ द सी। हाँ वो नाइस। तो दो दो बड़े हैं अपने पास। हाँ तो दो दो मिल गए थे। और यहाँ पर नीचे चल के देखते हैं एक बार, तो दिखा देता हूँ किस तरह का हमने इसका हाल कर दिया है। एक मिनट, चलो चलो चलो। ऑक्सीजन कहाँ गई? ये रही। हाँ नाइस। तो यहाँ पर तो टॉर्च किधर है तो यार? देख सकते हो, ये भी पूरी खाली है। और एक अंदर ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ थी वो, तो वो भी हमने ले ली थी। ऊपर की तरफ है यहाँ पर। यहाँ पर इतने ड्राउनर्ड आते हैं ना, इसकी कोई हद नहीं है। बहुत ड्राउनर्ड आते हैं, तू भी देख रहा है ना ड्राउनर्ड का। तो डाउनलोड देख रहा हूँ लेकिन मेरे को मिले नहीं अभी तक। शील्ड हाथ में रखना जैसे युवा है ना। आएंगे भाई, कैसे नहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा। पिछली बार तो इतना परेशान हुए थे इनके चक्कर में, आया कोई तो, पर इसके हाथ में वो नहीं है। कोई ना। ओ भाई यहाँ बहुत आ रहे, एक्चुअल में बहुत आ रहे। ये वाली जगह सबसे बेस्ट है, क्योंकि दो तो मिल गए अभी तक मुझे। ये वो रहा शिप बंदा, दिख गया? हाँ वो तो बच्चा है, बच्चा है लेकिन पर बहुत, पर ये इसके हाथ में वो है शेल। शेल भी नहीं उससे मिलता क्या है, होता है? मिल लूटिंग से ही मानना। गया मुझे। अच्छा वो कॉन्डुइट बनता है उससे। शेल भी पड़े हैं अपने पास दो तीन। नो चाहिए। आ जाओ भाई, उस टाइम तो इतने सारे आ रहे थे, अब एक भी नहीं आ रहे हो। थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा इसमें रेस्पिरेशन है इसलिए मैं अभी तक सांस ले पा रहा हूँ। कौन सा है रेस्पिरेशन वैसे? तेरे पास वाला जो था पहला। अरे ओके मिल गया मतलब तुझे एक, मुझे दिख रहा है दूर से वो। तो वही है पक्का। हाँ उसके हाथ में दिख गया मुझे। तू चल कहाँ है? नीचे है, सामने हाँ मैं आ गया। कहाँ है? चलो की साइड है, कहीं दिख जाएगा। दिख गया। देखो और अपना, हाँ, दिख गया मेरे को भी, दिखा दिखा। ओ भाई मानना शुरू कर दिया। मैं शील्ड ले लूँ हाथ मैं उसको है ना वो करता हूँ डिस्ट्रैक्ट, तो उसको मारना। देख देख आराम से, मरना मत भाई। थोड़ा शील्ड भी यूज़ कर, आराम से शील्ड यूज कर रहा हूँ मैं। शील्ड भी यूज़ कर। रुक रुक, मैं उसके सामने आता रहता हूँ। अरे भाई इधर भी मार ले थोड़ा मेरे को। मार। भाई वो मुझे ही मार रहा है। अरे भाई ये क्यों मार? हाँ। अरे शिट, मेरी मेरी सांस। देख के भाई आराम से। मर गया वो, कौन मर गया बंदा। ट्राइडेंट ड्रॉप करा नहीं करा? नहीं करा? ऊपर आया होगा ट्राइडेंट, मुझे लगा तू मर गया क्या नहीं है होगा। भाई, नहीं दिया? नहीं दिया। ये क्या है? ये क्या है? ये तो वो ये है, तो कैलिपर शायद। ये वो है, रॉटन फ्लैश है उसका। ओ भाई मैं मर जाऊंगा। कहाँ पर है वैसे वो, कौन? मतलब कहाँ मरा वो? वो यही मरा है नीचे ही, इसी जगह पे। उसके ट्राइडेंट यहाँ फेंके हुए, पर इसको उठा नहीं सकता ना, वही तो बात है। कोई ना, अपन ने हार्ड कर दी, अब डिफिकल्टी तो हो सकता है आ जाए। और हाँ डिफिकल्टी कर दिया तो हो सकता है अब ड्रॉप नहीं करें। पर स्पॉन रेट तो बढ़ेगा। ये ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ऐसा क्या होता है? हाँ यार लूटिंग 3 है, और क्या चाहिए इनको? देख, अब अगर आज अपन ट्राइडेंट लेने में सक्सेसफुल नहीं होते, तो फिर मैं ट्राइडेंट फार्म ही बना दूंगा ऐसी तैसी इनकी।
क्योंकि परमानेंट वही, फार्म ऐसा बनेगा। हाँ बन जाता है, उसके लिए बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, टर्टल वगैरह ढूंढने पड़ेंगे थोड़े, भाई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है टाइटल ढूंढने में? हाँ तो भाई आसान चीज नहीं है ना वो। नॉर्मल वाला है तो क्या, ये खास खास का क्या रॉनर्ड। अरे ये चीज क्या है, ये चीज, ये हाँ ये वही है क्या, वो वाली चीज। वही क्या, देखना तू, शार्ड तू बस खत्म है। सांस, शार्ड अपनी सांस यहाँ पे संभाल ले सांस ही बस। सांस है भाई, किधर आ जा। सही में हाँ क्या बात कर रहे हैं। ये है क्या यार, पर एक मिनट, टॉर्च लगाया, ये क्या है? ओ ओ ये समझा है। भाई साहब, मैं वही बोलू क्या, ओ भाई 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 डर गया। कुछ है अंदर? ओ ओ भाई 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 ओ भाई बाप, तू मर गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ टर्टल मिला यहाँ पर इसका करूँ क्या मैं? जल्दी आ। आ रहा हूँ मैं, एक मिनट यार, गलत जगह स्पॉन हुआ मैं। भाई मैं यहाँ क्यों आया पता नहीं, जबकि मैंने अपना वो तो स्पॉन लोकेशन तो मेरा घर के था, पता नहीं क्यों। अच्छा वो, आपको ना अच्छा बेड लगाया ना हाँ, भाई, नहीं अपन सो गए थे यहाँ पर, भूल गया था। क्या कचरा लेके घूमता है यहाँ तो तेरे इन्वेंट्री में। रख लिया तूने? हाँ रुक जा, अच्छा तू तो अब जिंदा है ना पर। टोटा में नहीं रखता। हाँ मैं जिंदा हूँ पूरा। हाँ ठीक, हाँ ठीक है फिर, ठीक है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। भाई मुझसे पहले तू कूदा था, मरा मैं फालतू। तू बिना देखे अंदर तरीके कूद जाता है। अरे अब तू तू कूदा, मैं बोला तेरे को अकेला कैसे छोड़ू, मरेंगे तो साथ में मरेंगे। हाँ यार साला तू बच गया, गलत सीन है। तो आ रहा हूँ मैं, दो वो शायद खत्म ही हो गए होंगे, पता नहीं, गलत बात थी पर ये जो भी है। अरे मेरे पास माइन कार्ड भी नहीं है यार, यहाँ पर हट, उधर होगी जरूर। हाँ घर से हाँ लेके आप नहीं मैं ऐसे ही आ जाऊंगा, अब क्या करूँ, दौड़ के ही आना पड़ेगा। हाँ चलो पहुंच गया, अभी मैं वहां आया हूँ पोर्टल पे, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ कोई मिलेगा ना उनसे लड़ नहीं पाऊंगा मैं, एक्चुअली बात हुआ है। ओ ओ शिट, मर गए। नहीं बख्श दो, बख्श दो मेरे को प्लीज बेटा, मेरे को आन दो, मेरे को मरना मत अपने बस वो आर्मर वगैरह सब लेके आन दो, तुम्हारी 12 नहीं बजाई ना तो देखना फिर तुम लोग। भाई। अच्छा हुआ मैं नहीं मरा, नहीं तो दिक्कत हो जाती। दो ही आते फिर ऐसे भागते भागते। हाँ फाइनली मेरा वो कहाँ है, जल्दी तेरी माइन कार्ट, जल्दी तेरा बेड, और क्या लगेगा तुझे? ये मेरे थोड़े बूट्स, बहुत ब्लॉक ले ले। तेरे मेरे बूट्स बूट्स मुझे मिले ही नहीं, ये आई, ठीक भी रख ले, जरूरत पड़ेगी। ये तेरी शील्ड और मेरा और वो, ये मेरा खाना ले ले। और तो कुछ नहीं था ना, नहीं और कुछ नहीं, ये ले ले शॉवल। और देख लो उसमें क्या था, मेरे को वो देखनी है पर जगह, मैं वो देख के रहूंगा, चल बता ही देता हूँ, मैं उसकी 400 खोज, मैं उसकी खोज में वापस जा रहा हूँ। गेरी। कहाँ है? हाँ ये रही फाइनली। हाँ आ जाओ, हाँ श्योर आ जा। भाई, बिल्कुल सही है। भाई कैसी जगह है ये, देख यहाँ, यहाँ अभी भी पड़ा हुआ है सब चीजें, खाई की सब चीजें भाई, कुछ नहीं कैसी पढ़ाया भाई, वहाँ। मेरे बूट्स चेक कर ले यार एक बार। मेरे पास नहीं है भाई तेरे बूट्स। पता नहीं क्या ही हुआ था एकदम यार, दुनिया हिल गई सब, पता नहीं क्या हुआ, शायद मेरे बूट्स मर गए। मुझे लगता है ये अपन को ले लेना चाहिए, ये है ना? मजा आ रहा है, ले लेते हैं। हाँ ये ले लेना चाहिए, मुझे तो अभी तक नहीं अरे मिला। सार्जेंट वाले तो बहुत सारे मिले, लेकिन एक ने भी वो नहीं करा। मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ कब से, तो गाइज ये थोड़ा सा दूर चले गया था इसके कारण, इसको मिले होंगे, मैं तब से यही देख रहा हूँ, मुझे ढंग से मिले ही नहीं है, मतलब मिले हैं आप लोगों के सामने ही अभी। ये कौन है, ये देखो ये इसमें क्या आ रहे हैं यार, वो ट्राइडेंट वाला आ नहीं रहा है, और आ भी रहा है तो वो ड्रॉप नहीं कर रहा है, करें क्या यार, पता नहीं बस ये हाल। ओ भाई
उसको आया। ओ भाई आया आया आया, सुन सुन सुन, ट्राइडेंट वाला, इधर इधर वो शिप पे, शिप पे, शिप पे, रुक मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, जल्दी आ। ओ भाई गलत मार रहा है तो गलत सी, ओके शील्ड ले। कोऑर्डिनेट कितने क्या है बेटा वहाँ के? अरे ये है 550 और माइनस 380। बाप रे बहुत गंदा मारेगा, ओ भाई बहुत गंदा मारेगा ये तो। भाई साहब जल्दी आ जा भाई, भाई भाई बचा ले मेरे को, मुझको बचा ले। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तू गड्ढे में छुप गया। मर गया मैं, मर गया नहीं बचा हूँ अभी फिलहाल तो बचा हूँ। अरे भाग जाओ, अरे मेरे को जान दो, मेरे को जान दो, मेरे को जान दो, दिख गया। अरे भाई भाई इसको मार जल्दी, कुछ कर, मैं मरूंगा। लगाई हुई है, जल्दी आ मार इसको भाई, भाई बहुत बहुत भाई, भाई मार दियो, मार दियो, मिल गया। शायद देख 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 भाई मेरे को मेरी हेल्थ बढ़ा दो, बहुत भयंकर भाई साहब, तेल ले क्या रिस्क लिया मैंने। देख अंदर नीचे कहीं पे होगा शायद, इसने ना इस बार ड्रॉप करा था लेकिन दिख नहीं रहा कहीं, देख ले नीचे कहीं पड़ा होगा। ऊपर तो नहीं है मेरे पास, तेरी इन्वेंटरी चेक कर। कर रहा हूँ इन्वेंटरी, नहीं है इन्वेंटरी में भी, यहाँ भी नहीं है कहीं पे, इधर तो इसके पड़े हुए। भाई क्या रिस्क लिया है पर मैंने, ये एक और आ गया नॉर्मल वाला है लेकिन। A few moments later, मिल गया, इधर आ जल्दी से। कहाँ पर? हाँ बोर्ड के पास में, मैं ऊपर ही हूँ, कहीं दिख जाएगा तुझे। दिख गया, हाँ दिखा 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 दिखा। तो मारना क्या कर रहा है? अरे मेरी सांस, वो एक मार दे मुझे। देखना भाई आराम से बस, देखना बहुत डैमेज, बहुत गंदा आता है उसका देख के। हाँ एक मिनट ऊपर नीचे देख ले। अरे भाई मिल गया, आ गया है। अरे भाई सच में मिल गया, सही में मिल गया। हाँ सच में मिल गया। अरे भाई फाइनली भाई, कितना भाई मजा आ रहा है। दो तीन एपिसोड से परेशान हो रखे हैं यार। आओ यार इधर आ भाई, इसकी हेल्थ कितनी कम है यहाँ के, ये देखिए रहा ये रहा हाथ में। अरे हाँ ये रहा, ड्रॉप कर, कितनी हेल्थ, ये रहा एकदम हल्की सी है। इसमें तो वो अपन मेंडिंग लगा देंगे तो हो जाएगा भाई, पर कितने कम चांसेस से, कितने कम चांस से। एक मिनट सुबह होके देख भाई, बहुत ही कम चांस है इसके तो। अरे भाई फाइनली परेशान, हाँ बहुत ही मेहनत लग गई। सो गाइस फाइनली हमको ट्राइडेंट मिल चुका है, इसके लिए भी अब बस इसमें मेंडिंग लगाना बची है, लेकिन मेरे लेवल नहीं बचे हैं, पर कोई बात नहीं वो तो हम कर देंगे। तो अब हम वापस जा रहे हैं। ओ भाई गलती, चल मेरे पास है तेरा ट्राइडेंट, मेरे से ले लेना इधर, घर चलो। बोट है तेरे पास? नहीं यही तो है भाई, ये रहा यहीं पे होगा पोर्टल, ये ले। अच्छा हाँ रख, किधर है पोर्टल? भाई जो मेरा वाला ट्राइडेंट था ना वो एक बार में मिला था, सच में एक बार में लिटरली, उसको देख के ना अपने वो बढ़ गई थी एक्सपेक्टेशंस के, हाँ भाई ये भी आसानी से मिल जाएगा। हाँ जो कि बहुत गलत चीज थी, वो अपने को करना नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला जो ट्राइडेंट मिला अब इसको रखना थोड़ा सा संभाल के प्लीज, और जब अपने पास रिसोर्स आ जाएंगे ना उस चीज को लेके तो अपन ट्राइडेंट फार्म बना लेंगे। सही है, जैसे वो स्पॉन्ज होते हैं वो चीज, और भी चीजें इसको मार देते हैं डायरेक्ट। हाँ, रेड भी करना है, चले ले लिए मैंने। चलो चलो सुन मैं क्या कह रहा हूँ, जो अपनी वो वाला इलाका है ना पोर्टल, तू वहीं पे रुकना, तू उससे आगे मत जाना वरना रेड हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो घर वाला पोर्टल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से तो चल। अरे अंदर घुसो, बाय 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 बाय, मानना मत मानना मत मानना, अरे पड़ी, जान दो गए, आ गए, आ गया मैं। चलो पहले इन्वेंटरी खाली कर लेना। हाँ यार इन्वेंटरी खाली करने की दिक्कत है। सो गाइस एक मिनट पहले मेरे को आने दे, फिर बोलूंगा। आ गया।
बस तू यहीं रुक, मैं 1 मिनट रुक जा, वहीं रुके रहना, आना मत, रेड हो जाएगी। तो मैं इस चीज को पहले यहाँ रख, खाना नहीं, खाना 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 चाहिए। ये तो अगर इस ब्लॉक से आगे गया तो रेड हो जाएगी ये वाले से, ये जो ट्रक अभी नहीं था। हुई, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अरे अभी नहीं, हो अभी नहीं, जाएगी, अभी हो जाएगी, ये हो गई भी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, अभी भाई तेरे को भी खाली नहीं, अब हो अब गया। हुई, मतलब ये वाले ब्लॉक पे आके होती है। भाई तेरा ट्राइडेंट संभाल के रख दे प्लीज। हाँ, वो है मेरी इन्वेंटरी में, कुछ नहीं अरे होगा, अरे इनको खोल, इनको खोल। उसको चेस्ट में रख देता हूँ, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके गाइस, रेड टाइम। चलो रेड की बारी अब। जो कर रहे हैं वैसे अपन रेड। अरे वो मेंडिंग के लिए, सॉरी अनब्रेकिंग के लिए आ गई है। जाओ आयरन गोलम, चल तेरी। हाँ कहाँ गए तेरे? अबे आयरन गोलम तो मारने जा रहे थे। अरे भाई 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 बस गए। आयरन फार्म पे, आयरन फार्म पे भैया आधी तो यही खत्म हो गई, वो आयरन गोलम वगैरह निपटा दिया होगा, पानी में गए ये। जान दे। अरे तू बचाओ उसमें। अरे हाँ, पता है पता है पता है, उसके अंदर लावा है। ये रहे, कहाँ पर है? विलेजर के पास में, ये रहे, इधर विलेजर के पास में। आयरन फार्म के साइड में कर वहां क्या कर रहे हैं? रहे होंगे कुछ। भाई अपन को पता ही नहीं चला बाकी सब कहाँ गए, अपने मैंने तो भाई एक भी आप ही चीज नहीं गायब देखी। हो गए, अपने आप गायब हो गए अभी केवल एक बाकी है बस। ये? भाई कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कहाँ जा कर रहे हैं? ये किसके हाथ से मार खा के मर रहे हैं? आयरन गोलम भाई, भाई मैं तो यहाँ आए, जीत भी गए, आयरन गोलम। जीत गए। हाँ भाई कुछ आसानी से हो गया, वो ये विच वगैरह को मार भाई दिया आयरन ये भाई गोलम ने। ये कैसी रेड थी? ये कैसी रेड थी भाई? समझ ही नहीं आई मेरे को तो बात ही। भाई मैंने तो मारा ही नहीं है किसी को। तुझे मिल गया हीरो ऑफ द विलेज, हाँ बढ़िया। एक मिनट, इसका कचरा रख देते हैं पहले, मैं जरा अपनी वो चीजें ले लूँ इसी बात पे जो वो लेने की थी। ट्राइडेंट में मेंडिंग और देख, पहले तो मेंडिंग और अनब्रेकिंग की बुक मिला, उसके बाद ट्राइडेंट में लगा, ऐसा। तो फिर वो गलती कर रहा है। ओ भाई लॉयलिटी 3 मिल रही है। कहाँ पर? सही में? अरे हाँ ट्राइडेंट अपने मैं भी तो अपना ट्राइडेंट लेके आऊँ यार। पे भाई, मैं एक्सपी लेने जा रहा हूँ। हाँ तो हाँ मैंने भी ले लिया। सो गाइस अब हम दोनों का ट्राइडेंट आ गया है ना, तो अब हम इसको रिपेयर, मतलब रिपेयर तो उससे ही हो पाएगा मेंडिंग से, और इसको रिपेयर करने के बाद अगर इनकेस फ्यूचर में घूम जाता है तो हमारे पास और भी ट्राइडेंट होने चाहिए। इसलिए जब हमारे पास रिसोर्सेस आ जाएंगे जैसे स्पॉन्ज वगैरह जो कि हमको ओशन मॉन्यूमेंट में जाने के बाद ही मिल सकता है, तो उससे हम एक ट्राइडेंट फार्म बनाएंगे, तो उससे हमारे पास ट्राइडेंट की कभी कमी नहीं होगी, और उससे एक्सपी का भी काम हो जाएगा, उससे एक्सपी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो अभी हमारे पास मेंडिंग और अनब्रेकिंग है जो कि हमने विलेजर से खरीदी थी ट्रेड सस्ती होने पर, लेकिन एक बार इससे भी मैं चेक कर लेता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। इम्पेलिंग मिल रहा है मुझे, इम्पेलिंग से क्या होता है? ट्राइडेंट इम्पेलिंग से। एक मिनट में भूल गया हूँ यार, ट्राइडेंट के लिए बेस्ट मुझे देखना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि देख ट्राइडेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो रेप्टाइड वाला होता है और एक वो होता है चैनलिंग होता है शायद से। हाँ चैनलिंग वाला, तो चैनलिंग से तो बिजली कड़केगी, मेरे को वो वाला ट्राइडेंट ज़्यादा पसंद है। रेप्टाइड मुझे नहीं लगता मैं उसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो क्या होता है? रेप्टाइड से वो ट्राइडेंट जब तू फेंकेगा ना तो तू भी उसके साथ फेंका जाएगा उसके साथ ऐसा। नहीं वो क्या काम का? वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या काम का? बेस्ट हाँ मेरे हिसाब से उसमें इम्पेलिंग 5 है, क्योंकि इम्पेलिंग 5 से हाँ डैमेज बढ़ता है, और अच्छा, लॉयल्टी और चैनलिंग है। सबसे आप पहले मुझे ये समझ में नहीं आया हाँ है ना, मान ले मैंने लॉयलिटी दी है हाँ ना, हाँ तो उसके 1 और 3 लेवल में क्या डिफरेंस होगा? समझा नहीं मैं। लॉयल्टी 1, अच्छा ऐसा नहीं, वो स्पीड का होता है कि कितनी तेजी से तेरे पास वापस आएगा। अच्छा सा सो गाइज मैं इसको अनब्रेकिंग को अभी मेंडिंग के साथ कंबाइन कर रहा हूँ जो कि 2 मेरे को कॉस्ट ले रहा है, और अब मैं इसको इसमें डाल दूंगा, और इसके लिए मेरे को 6 चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अगर मैं एक एक करके इसमें लगाता ट्राइडेंट में तो
इसकी मतलब क्या बोल सकते हैं, एक लिमिट होती है कितनी बार अपन किसी भी चीज़ को इंचांट कर सकते हैं, तो वो लिमिट कम होती है। आई थिंक 7 या 8 बार ही कर सकते हैं और फिर टू एक्सपेंसिव वाला टैग आता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए 2 बुक्स को मिला दो और फिर ये करो, तो ये एक ही बार इंचांट हो गया ट्राइडेंट। इसीलिए अब इसके लिए 6 कॉस्ट चाहिए मेरे को, 5 है वो तो अभी हो जाएगी। तो फटाफट इसको भी रिपेयर करूँगा मैं, मतलब हमारे पास इतने सारे एक्सपी फार्म है, एक वो है एक वो है, एक ये इतना बड़ा वाला है, और तो इनसे ही रिपेयर हो जाएगा धीरे धीरे करके। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया था आप लोगों को कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको चेंज करा है, और मतलब हल्की सी थोड़ी बहुत चेंजेस करें, जैसे यहाँ पर स्टेयर लगा दिए, चेस्ट बढ़ा दिए। भाई तू भी यहाँ पर ही क्या कर रहा था? अरे तो तू यहाँ पर रह मेरे को पाएगा? तो लेवल सी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये काम कर दिया था, इसको थोड़ा सा चेंज करा, यहाँ चेस्ट बढ़ाइए बस, और यहाँ पर ऊपर जाने का और नीचे आने का तो पहले से था। ओके, तो यहाँ भी चेंजेस करे थे, ये हमारा स्लाइम फार्म जाता है ऊपर, और यहाँ पर इसने पता नहीं क्या डिज़ाइन बनाया, सी बना दिया है पता नहीं क्या है, और इधर में ये चीज़ें दिखता है हमारा स्पॉनर, और इस जगह पे जितनी भी चीज़ें जॉम्बी जो ड्रॉप करते हैं वो आती है। तो यहाँ मैं अपना बेसिकली ट्राइडेंट रिपेयर करना है और वो करता हूँ। ओ भाई बढ़िया, ये अच्छी जगह है रिपेयर करने के लिए ट्राइडेंट। वाह यार भाई, बहुत जल्दी हो गया सच में। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है, मेंडिंग का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, लेकिन एक बार किसी भी आइटम की हेल्थ फुल हो जाएगी तब मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बढ़िया है ये चीज़। चलो मैं आ गया ऊपर, अब मेरे पास भी आ गया ट्राइडेंट, अब मैं इसको दबा के यूज़ करूँगा। राइट, सुन, और क्या लगा सकता हूँ मैं टारगेट में? लॉयलिटी 3 आ हो गई, गया। मेंडिंग हो गई, और क्या? चैनलिंग और एक इम्पेलिंग, वो कहाँ से लाऊँ? वो तेरे को देखना पड़ेगा, शायद तेरे को बुक में से लानी पड़ेगी वो। इम्पेलिंग बुक पे मिलती देखो, है? मिल गई। नहीं, मुझे, मेरे पास अभी तक सिर्फ अनब्रेकिंग 3 है और मेंडिंग मेंडिंग है। मुझे इसमें एक्चुअली लॉयल्टी चाहिए। मतलब हंस क्यों रहा है? अब तेरा बोला मैं आ गया है ना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे मैसेज करा है ना, ये अपने ग्रुप पे किसी ने मैसेज करा है ना, मैं आ गया टट्टी करके। मेरे तेरे से तो पूछा, हाँ भाई तू आ गया टट्टी करके? तूने बोला हाँ, मैंने सब चेक कर लिया। अरे यार भाई, मेरे को लगा तू बोल रहा है तू आ गया गेम में ऐसा। तो आगे टिक करके, हाँ वही मेरे को चेक कर अरे मेरे को लिया। वो सुनाई नहीं दिया, तू वो कह रहा है। हट यार। ओके गाइस, तो ये है हमारा day 2, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या कर लिया है। 1 मिनट, ये क्या हुआ? विलेजर्स हो गए, अच्छा रात हो गई। तो हमने क्या करा, ये जो एक ब्लास्ट फर्नेस है यहाँ जो रखा हुआ था, इसको निकाल के लेक्टन लगा दिया, क्योंकि हमको ट्राइडेंट के लिए इंचांटमेंट चाहिए थे जो कि मेंडिंग और अनब्रेकिंग वाला है। इसमें लॉयल्टी या मेरे को कुछ चाहिए, इम्पेलिंग वगैरह देख सकते हो, इसका जो ट्राइडेंट है मेरे को भी ऐसा करना है। तो इस केस में तो सिर्फ अभी लॉयल्टी है, इसके कारण ये ज़्यादा चौड़ में आ गया है। चल सो जा। क्या अपग्रेड करना है तुझे? ला दे, मेरे पास एक्सपीरियंस है। अरे नहीं यार, मेरे को ये लूटिंग 2 चाहिए थी, ये तो लक ऑफ द सी है। अरे ये रहा। ओके, एक दे, एक और दे। अब मुझे लगता है कि ये कुछ अपने आई। अरे यार फेंकना नहीं था भाई, ऐसे फेंकते नहीं है। ओ नाइस, लॉयलिटी 3 दे रही है लेने बढ़िया है वो तो, भाई, 14 एमरल्ड में, वो भी लेने लेने। हाँ लॉयल्टी 3 14 एमरल्ड में, नाइस। वाह चलो कुछ तो मिला एटलीस्ट। तो ये वाला, वारे हाथ में बुक लेके खड़ा हो गया है तो, शार्पनेस 5, ये लॉयल्टी 3 पहले 14 में। चलो बढ़िया डील मिल गई यार, 14 में बुरा नहीं है। फायर रेस्पेक्ट अच्छी दे यार, पता है माइंड। ओए इम्पेलिंग 4, लॉल इम्पेलिंग 5 आ जाता, मजे आ जाते। इम्पेलिंग 4 दे रहा है यार। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस एपिसोड में हमने इसका ट्राइडेंट ढूंढ के लाए हैं, बड़ी मुश्किल से मिला जो कि, और इसमें अब थोड़ी बहुत इंचांटमेंट हम करेंगे। मेरे को भी इसमें लॉयल्टी वगैरह चाहिए, तो मैं विलेजर का ये जो है ना लेक्टन, इसको
तोड़ तोड़ के निकाल ही लूंगा। अभी मेरे को इम्पेलिंग फोर मिला है, मैं सोच रहा हूँ लूँ या नहीं लूँ, पर नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दूंगा कि मैंने क्या लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू।